नमस्कार आदाब। इस वक्त आप देख रहे हैं मेरे साथ सीआईबी इंडिया न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। हमारे समाज में रहने वाले लोगों के अंदर कोई ना कोई हुनर जरूर है। किसी के पास कर्तव्य दिखाने का हुनर है तो किसी के पास आवाज निकालने का हुनर है। ऐसे में मऊ जिले के शहादतपुरा इलाके के रहने वाले सौरभ कुमार ने अपनी जुबान से नेताओं और अभिनेताओं की आवाज निकाल कर सबको हैरत में डाल दिया है। ये लड़का एमकॉम कर रहा है और जगह जगह नेताओं और अभिनेताओं की आवाज निकाल कर फिल्मों में कॉमेडियन का रोल निभा कर अपने परिवार का पालन पोषण भी करना चाहता है। दूसरों की नकल कर उनकी आवाज निकालने पर सौरभ के परिवार वाले भी उसका सपोर्ट करते हैं। आप खुद सुनिए दूसरों की आवाज सौरभ की जुबानी। ऐ सिमरन तू मेरे लिए क्या हो, ऐ सिमरन तू मेरे लिए गीत हो, संगीत हो, मन पीत हो, हर पीत हो। अरे कैसे बताऊं कि तू मेरे लिए क्या हो। तुम नहीं होती तो मैं शायद कहीं और होता। अच्छा है, भगवान का देवा सब कुछ है, दौलत है, शौहरत है, इज्जत है और एक गॉड गिफ्टेड आवाज भी है जो कि मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ। अच्छा है आप बच्चन जी रिश्त में तुम तुम्हारे बापू थे नाम है। देखिए भाई साहब जो है इंसान जब चलना शुरू करता है तभी गिरता है, इसलिए अगर जीवन में कितनी भी सारी घटनाएं उसका डट कर सामना कीजिए, घबराइए मत आए, क्योंकि ये जो उम्र होती है वो कुछ कर दिखाने की जरूर होनी चाहिए आपके अंदर। और लालू प्रसाद जी बुढ़बक क्या बोलता है, मैं कहता हूं कि जब तक घोटाला नहीं करोगे तब तक अपने देश को कैसे आगे बढ़ाओगे। आप ये बात मोदी जी से पूछ सकते हैं। मोदी जी मित्रों भाइयों बहनों मैं जानना चाहता हूं क्या घोटाला करना सही होता है क्या। भाइयों बहनों घोटाले करने से देश की आर्थिक स्थिति बेकार हो जाती है। आप लोग मेरा साथ देंगे कि नहीं देंगे, देंगे कि नहीं देंगे। सौरभ को मानो ईश्वर ने हर किसी को किसी न किसी विशेषता से नवाजा है। सौरभ को भी ईश्वर ने दूसरों की आवाज निकालने की कला दे करके कहीं न कहीं उसके उज्जवल भविष्य के लिए कुछ बेहतर सोच रखा है। सौरभ कॉमेडियन का रोल करके अपने परिवार का भरण पोषण भी करना चाहता है, इसके लिए उसके परिवार वाले भी उसका सपोर्ट करते हैं। सौरभ का कहना है कि मैं अपना हुनर दूसरों को दिखाना चाहता हूं। मैं अमिताभ बच्चन, नाना पाटेकर, इरफान खान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लालू यादव जैसी तमाम 50 ऐसी शख्सियतों का अपने मुंह से मैं उनकी आवाज निकाल सकता हूँ जिनको देखना और सुनना हम सभी को अच्छा लगता है। मेरे पास जैसे हर किसी के पास गॉड गिफ्टेड कुछ होता है तो मेरे पास भी शायद ऐसा ही कुछ है। तो मैं कोशिश करता हूँ लोगों की नकल निकालने की, उसे मिमिक्री कहता हूँ। मैं मिमिक्री करता हूँ और छोटे लेवल का भी हूँ, तो जैसा कि काफ़ी लोग मुझे अप्रिसिएट करते हैं इस चीज़ के लिए, इसलिए मैं शायद आपके सामने इस समय हूँ। जैसे अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप राजनेता लोगों में आएंगे तो मोदी जी की, लालू प्रसाद यादव जी की और भी बहुत से लोग हैं। फैमिली में सभी सपोर्ट करते हैं। पहले तो जब मैं शुरू किया था तो लोगों को थोड़ा अजीब लगा, मुझे भी खुद अजीब लगा, लेकिन जब मैंने लोगों के सामने दिखाया, अपने दोस्तों को दिखाया, तब उन्होंने कहा कि नहीं ये कुछ अलग है। बस एज ए इंटरटेनर मैं ये सब काम करता हूँ। आपके पापा जी सब सपोर्ट करते हैं, खासकर मेरे भैया जो है वो बहुत सपोर्ट करते हैं मुझे। फिल्मों में एज ए कॉमेडियन के बतौर काम करना चाहता हूँ ताकि हमारे मऊ जनपद का जो है नाम रोशन हो और यहाँ से भी कोई बंदा जाए उस लाइन में, क्योंकि अभी फिलहाल अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है, इसलिए मैं ये काम करता हूँ। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो खबर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही स्क्रीन पर दिख रही घंटी को दबाएं ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।